उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 6, दूसरे का 11 और तीसरे का मतदान 16 अक्टूबर को होगा। वहीं नामांकन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करते ही 12 जिलों के तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। वहीं खंडों के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। इसी के चलते चंपावत में भी 4 विकास खंडों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए दर्जनों भर लोगों ने नामांकन पत्रों को खरीदा। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है जिलाधिकारी द्वारा और सभी ब्लॉकों में आज से फॉर्म की कंपनी भी प्रारंभ हो गई है और प्रत्येक ब्लॉक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फैसिलिट सेंटर खोले गए हैं, जहां पर किसी भी जो कैंडिडेट है उनको कोई दिक्कत आती है तो उसको वो लोग फैसिलिट करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में रखी गई है और मतदाता सूची भी वहाँ पर रखी गई है, उससे कोई मतदान किया जाएगा। मैंने ग्राम सभा मथियावास के लिए फॉर्म लिया है जिसकी कीमत 150 रुपया है और ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म ले लिया है और जो कि 20 तारीख से नामांकन शुरू होंगे 24 तारीख तक नामांकन। वहीं टिहरी में भी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, साथ ही ARO और RO भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ प्रथम चरण में ARO और RO को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात कर दी गई है। साथ ही आबकारी अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि शराब की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए। हमारा जनपद में 3 चरण में चुनाव होना है, इसका राज्य निर्वाचन आयोग की रोस्टर के अनुसार हम लोग भी आज जारी कर देंगे और इसी प्रकार का हम लोग 144 भी लगा चुका है और मॉडल कोड 13 से लागू है और शहरी क्षेत्र का छोड़ के हम लोग सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का नियुक्ति कर चुका है और हमारा ARO का भी नियुक्ति हो चुका है। हमने कार्मिक का डाटा फीडिंग करना शुरू कर दिया है, उसका भी हम ट्रेनिंग 23 से शुरू करेंगे और प्रथम चरण में हम लोग ARO का ट्रेनिंग कल करेंगे और हम लोग वोटर प्रत्याशी को फैसिलिटेट करने के लिए और विकासखंड लेवल पर हमने एक फैसिलिटेशन काउंटर भी बनाया है, उसका हमने ADO पंचायत को हमने नोडल अधिकारी बनाया है, उनका नंबर भी हम लोग पेपर के माध्यम से आप लोग के माध्यम से भी डिस्प्ले कर लेंगे। कोई भी प्रत्याशी किस नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है जिसको लेकर प्रशासन आवेदन करने वालों की हर तरह से मदद कर रही है, साथ ही उनको पूर्ण रूप से जानकारी भी दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे और टिहरी से सूर्य रमोला की रिपोर्ट।